उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग से चयनित 110 नायब तहसीलदारों को आज लखनऊ में नियुक्ति पत्र बांटे गए। इन 110 नायब तहसीलदारों में 15 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र दिया। मिशन रोजगार के तहत इससे पहले भी कई विभागों में भर्तियां की गई हैं, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं। सरकार का दावा है कि पिछले 4.5 सालों में 4.25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और 2017 तक यहाँ की बेरोजगारी दर 17% थी, जबकि आज 4% है। भर्ती प्रक्रिया में किसी का चेहरा नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की गई हैं और सभी नियुक्तियां वर्षों से लंबित थी क्योंकि पिछली सरकारों में ईमानदारी का अभाव था। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में नई सरकार के आने के बाद सरकार ने पहले दिन ही इस बात को तय किया था कि हम लोग चेहरा देख करके नहीं, व्यक्ति की जाति मत और मजहब देख करके नहीं, किसी का जनपद और गांव देख करके नहीं, योग्यता को आधार बना करके आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के हर प्रतिभावान नौजवान को उत्तर प्रदेश के अंदर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा अवसर देंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। प्रदेश वही, तंत्र वही, संसाधन वही, सब कुछ तो वही है, लेकिन प्रदेश की छवि बदली है। 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों के मन में एक धारणा थी, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश देश के विकास में बाधक है, उत्तर प्रदेश में आने में लोग डरते थे, उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों में न्याय मिलना लोगों के लिए एक बहुत दूभर कार्य था, कठिन चुनौती थी। आज वही उत्तर प्रदेश कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है? लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में नई सरकार के आने के बाद आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहे होंगे जिन्होंने 2019 के पहले भी अलग अलग परीक्षाएं दी होंगी और उस समय आपकी योग्यता और प्रतिभा होने के बावजूद आपका चयन नहीं हुआ होगा, क्योंकि व्यवस्था में कुछ खोट था। योग्य और प्रतिभावान लोगों को अवसर नहीं मिल पाता था। उस समय चयन की प्रक्रिया की विसंगति और शासन की नियत में खोट होने के कारण योग्य और प्रतिभावान जो अभ्यर्थी होता था वह हताश होता था, निराश होता था, पलायन करने के लिए मजबूर होता था।